देखिए मोदी जो है वो है, आप कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है या एंटी मुस्लिम, बिल्कुल गलत है। वो ऐसा नहीं है, वो इंसानियत का दुश्मन है। सिर्फ मुसलमान, पाकिस्तान, सऊदीया, चीन, नहीं नहीं नहीं, वो बंदा इतना बड़ा दहशतगर्द है कि जब से उसका दौर आया 10 साल 9 साल दौर, उसमें जो इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है कश्मीर को, कश्मीर पे तो जो जुल्म कर रहा है वो तो पूरी दुनिया की आंखें बंद है। काश पूरी दुनिया की आंखें, अल्लाह खोल दे। लगता है आप बीजेपी पार्टी के बारे में क्या राय रखते हैं, कैसी जमात है? मेरा ख्याल अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है, हमें वो चाहे अच्छी ना लग रही हो लेकिन अपने मुल्क के लिए बेहतरीन जमात है। नमस्कार दोस्तों, अक्की रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले है और ये सब सुनकर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया को बहुत गुस्सा आ रहा है और मोदी जी का नाम सुनते ही पाकिस्तान के लोग पागल हो जाते हैं। तो दोस्तों, पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस टॉपिक पर। मोदी जो है वो है, आप कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है या एंटी मुस्लिम, बिल्कुल गलत है। वो ऐसा नहीं है, वो इंसानियत का दुश्मन है। सिर्फ मुसलमान, पाकिस्तान, सऊदीया, चीन, नहीं नहीं नहीं, वो बंदा इतना बड़ा दहशतगर्द है, पता नहीं अमेरिका को क्यों नज़र नहीं आता, वो इंसानियत का दुश्मन है। तो जब तक वो बंदा ख़त्म नहीं हो जाता, हमारे मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान से तलका ठीक नहीं हो सकता। सर, आपने इतनी बड़ी बात नरेंद्र मोदी के लिए क्यों कर दी? अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद इंडिया में कितनी तब्दीली आई है, इंडिया ने कितनी तरक्की की है, हम इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे कि जो भी है चले वो अपने मुल्क के लिए तो एक बेहतर है ना, बेहतरीन लीडर उसको कहा जा रहा है और पूरी दुनिया उसको एक बेहतरीन लीडर मान भी रही है। हम जो देख रहे हैं, जो हमें मीडिया दिखा रहा है, हम तो ये देख रहे हैं कि जब से उसका दौर आया 10 साल 9 साल दौर, उसमें जो इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है, जो बर्बरियत हुई है कश्मीर को, कश्मीर पर तो जो जुल्म कर रहा है वो तो पूरी दुनिया की आंखें बंद है। काश पूरी दुनिया की आंखें, अल्लाह खोल दे और वो देखे कि वो कितना जुल्म कर रहा है। आप कह रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए अच्छा, क्या अपने मुल्क के लिए अच्छा है, मुझे समझ नहीं आती। जिस बंदे के मुल्क में इंसाफ नहीं है, जिस बंदे के मुल्क में इंसानियत पे जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है और वो देख के तमाशा ही बना हुआ है, आप कह रहे हैं कि उसने बहुत कुछ किया, उसने कुछ नहीं किया। इसको तरक्की नहीं कहते। आए तरक्की देखे, तुर्की ने की है, आए तरक्की देखे, मलेशिया ने किया है, इंडोनेशिया ने किया है, ताइवान ने किया है, ये तरक्की है। यहाँ जाएं, इंसानियत की कदर है, इज्जत है, आप इन मुल्कों में जाएं, आपकी बड़ी इज्जत होगी। लेकिन सर, बाकी तमाम जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडिया के साथ उनके टर्म्स तो बड़े अच्छे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात यहीं पर आकर ख़त्म हो जाते हैं कि मोदी जो है या मोदी सरकार जो है वो एंटी मुस्लिम है या एंटी पाकिस्तान है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर इस्लामिक कंट्री के साथ इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आप सऊदी अरब ले लें, आप दुबई ले लें, आप कतर ले लें। अब देखिए, उन लोगों के मफादात हैं। देखो, हम उनको नहीं कह सकते कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी ट्रेड है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, इसलिए वो नहीं कह सकते। हम तो कुर्बानी दे सकते हैं। हमने कश्मीर के लिए जो मौक़िफ़, हम जिस जहाँ स्टैंड हमने लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। क्या हमारी तजारत अफेक्ट नहीं हुई? क्या हमें नुकसान नहीं हुआ? हम बेर करते हैं, पाकिस्तानी आवाम तो कर लेगी, पाकिस्तानी कौम तो कर लेगी, पाकिस्तानी सियासतदान नहीं करेंगे। वो इंडिया का खुद का ही दुश्मन है, जैसा कि वो जिस तरह की हरकतें करता फिर रहे पाकिस्तान के खिलाफ या व्हाटएवर, क्या नाम है, बाकी कंट्रीज़ के साथ जो उसने किया है, तो वो इंडिया का खुद का दुश्मन है और वो अगर आएगा तो इंडिया के लिए। देखें, मैं सिंपली ये कहूँगा कि मोदी पाकिस्तान का सच्चा दुश्मन और इंडिया का सच्चा मुखलिस हुक्मरान है। तो हमेशा दुनिया में जो चेंज आता है ना, वो एक्सट्रीमिस्ट ही लेके आते हैं, और किसी भी कौम की तारीख को पढ़ लें तो एक्सट्रीमिस्ट ने ही चेंज लेके आया है। तो ये है कि और मोदी की दोबारा आने की वजह यह है कि उसने इंडिया की मईशत को बहुत ऊपर लेके आया कि दुनिया की बड़ी मईशत में आ गया। तो इस हवाले से वो डिज़र्व करते हैं बीजेपी वाले कि वो दोबारा आएँ, और वहाँ पे जमहूरियत है इंडिया में, वहाँ पे कोई जमहूरियत पे शबे खून नहीं मारता, वहाँ पे कोई अमरीत नहीं होती हमारे पाकिस्तान की तरह। तो यहाँ तो पूरा, जैसे हमारा ये रिसेंट इलेक्शन था वो चुरा लिया गया, और अवामी तौर पर भी हमारी जो उमंगें थी वो दबा दी गई। तो इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की जो आम आबादी है वो इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है। ठीक, अभी भी वहाँ एक रिपोर्ट पड़ी कि आधी से ज़्यादा आबादी के पास प्रॉपर वाशरूम ही नहीं है। ठीक है, और आप किसके सपोर्टर हैं? मैं तो इमरान खान, सारी पाकिस्तान अक्सरियत इमरान खान की। इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था, फैक्ट एंड फिगर्स पे बात की थी कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा वॉशरूम्स हैं। इंडिया, आपको पता है, अब हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमारा मिडिल क्लास तबका जो है वो गुर्बत से भी निचली लकीर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो आप देखें कि वहाँ के हर शहर में आईटी हब्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे देखें लोगों को किस तरह एजुकेट किया जा रहा है, अच्छे रोज़गार के मौके। यहाँ पर आप देखें हर दूसरा नौजवान जो है बेरोज़गार फिर रहा है। अब हम जम्मू कश्मीर की एग्जाम्पल ले लें। जम्मू कश्मीर में जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में जो है, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं फैक्ट एंड फिगर से बात करूँ। जहाँ इंडिया गलत है हम वहाँ पर बात भी करेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ जम्मू कश्मीर में जो जॉब फेयर करवाया गया, 3,000 कश्मीरियों को जो है इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब दी गई। पंजाब की, लाहौर की बात करें, यहाँ पे जॉब फेयर्स करवाए जाते हैं, बताएं?
मुझे इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं है। बहरहाल इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप है पाकिस्तान से इस मामले में, वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है यूथ के लिए, वहाँ उनकी अच्छी पॉलिसीज हैं जो यहाँ पे नहीं। पाकिस्तान के लोग टॉयलेट की अक्सर बातें करते हैं। दोस्तों आपने देखा सना अहमद ने कहा है कि इमरान खान ने खुद कहा है कि भारत में टॉयलेट पाकिस्तान की टॉयलेट की संख्या में बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान में 67% टॉयलेट है तो इंडिया में 93.3% टॉयलेट है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान के लोग आज से 20-30 साल पुरानी बातें करते हैं। पाकिस्तान के लोग आज के समय की बातें नहीं करते, वो हमेशा 20-30 साल पुरानी बातें करते हैं और उसके आधार पर ही बहस करते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों आप जानते हो कि पाकिस्तान को छोड़कर सभी इस्लामिक देश से भारत का और नरेंद्र मोदी जी का अच्छा संबंध है, वो मित्र की तरह रहते हैं। लेकिन भिखारी देश पाकिस्तान के साथ हमारा व्यवहार इसलिए ख़राब है कि पाकिस्तान के लोग हमेशा भीख मांगते रहते हैं और नरेंद्र मोदी जी को कहीं डरे कि अगर हमने इनके साथ अच्छा व्यवहार कर लिया, इनसे दोस्ती कर ली, तो कल ये आकर हमारे यहाँ भीख मांगे। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को खतरा है कि नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये हमसे POK छीन लेंगे, फिर हम कौन सा नारा देंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमारा तो नारा ही छीन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए हैं। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे रिएक्शन वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।